नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के क्या एम है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनके अंदर क्या क्या शेड्यूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसको फुलफिल जिसको एक पब्लिक को जनरल पब्लिक को फॉलो करनी पड़ती है। जब MTP 1971 बनाई गई थी उनका मेन एम था टू प्रोटेक्ट और टू एंश्योर राइट्स एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, कि जो वुमेन है उनके अधिकार को उनके सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये एक्ट एक्चुअल में वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पा रही है, क्या ये एक्ट एक्चुअल में वुमेन के सेफ्टी को प्रोटेक्ट कर पा रही है। हम जो इस एक्ट की बारीकी को देखते हैं, इस एक्ट का डिटेल स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे ऐसे शेड्यूल्स हैं जो लेडीज के जो वुमेन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हैं, जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, जो वुमेन के प्राइवेसी राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हैं। मीन्स वो ऐसी शेड्यूल्स हैं कि वहां पे वायलेट हो रही है राइट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट ऑफ प्राइवेसी, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन। यदि कोई लेडी है, कोई वुमेन है और उस वुमेन की अपना कंट्रोल उनके अपने बॉडी के ऊपर नहीं है, मींस अपने बॉडी को उस तरह से यूज नहीं कर पा रही है जिस तरह से वो चाह रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक फ्री लेडी नहीं है, वो एक आजाद देश एक आजाद नागरिक नहीं है। मीन्स हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली या हमारी कंट्री उनके बॉडी को इस तरह से यूज कर रही है जो कंट्री के लिए बेनिफिशियल है या जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है या जो हमारी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, हम उस लेडी के ओपिनियन को, उस लेडीज के व्यू को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ये जो एक्ट बनाई गई थी वो इसी पर्पज के लिए बनाई गई थी कि किस जो लेडी है उस लेडी के सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन ये प्रोविजन उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। अब ये कौन कौन सी प्रोविजंस थी जो लेडीज के सेफ्टी को या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, उसको लोग बाद में स्टडी करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि इस एक्ट के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और उस लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए, उस लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल बनाई, उसका नाम दिया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2014। और उस बिल के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस डाली गई जो प्रोविजंस बहुत हद तक एंश्योर करती हैं, बहुत हद तक जो लेडी है, जो वुमेन है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनका सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये बिल बनाई गई MTP बिल 2014 वो मेनली फोर पॉइंट्स को टच करती है, फोर पॉइंट्स को अफेक्ट करती है ऑफ द MTP एक्ट। नंबर वन, इट एक्सपैंड्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेस, कि जो नंबर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके नंबर को इंक्रीज किया गया। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या है हम बाद में जानेंगे, आज हम सिर्फ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन इज द टू एक्सपेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर बेस। नंबर टू, टू इंक्रीज द अपर गेस्टेशन लिमिट। अपर गेस्टेशन लिमिट क्या है वो भी हम बाद में जानेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लें टू इंक्रीज द अपर गेस्टेशन लिमिट। नंबर थ्री, to increase access to legal services या legal abortion services, to increase access of legal abortion services है। और number four है to increase clarity of MTP act। मैं repeat कर रहा हूँ, जो हमारी जो MTP bill है वो mainly उनके अंदर चार provisions डाली गई हैं और वो provisions है, number one is the to expand health care provider base, number two to increase the upper gestation limit, number three to increase the access to legal abortion services and number four to increase the clarity of MTP act। अब इन चारों पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है to increase the या to expand the health care provider base। हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये वर्ड यहां पर है हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। MTP 1971 में ये बताया गया था कि जो पर्सन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड है, मींस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, तो वो ही पर्सन किसी भी एबॉर्शन या किसी भी लेडी के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन उनके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर इस बेस को और एक्सपेंड किया गया, यहां पर क्या कहा गया कि यदि कोई पर्सन है जिनके पास बैचलर डिग्री है इन आयुर्वेद, बैचलर डिग्री इन यूनानी,
bachelor degree in Sydney or bachelor degree in homeopathy. Means जो आयुष पैथी को follow कर रहे हैं और उनके पास उनकी bachelor degree है तो और उन्होंने during study gynecology के बारे में abortion के techniques के बारे में training ली है तो वो person भी medically pregnancy को terminate कर सकते हैं. Number one point. नंबर टू पॉइंट इसी के अंदर यदि कोई पर्सन नर्सिंग है और उनके पास सिर्फ नर्सिंग की डिग्री है 3.5 years की और वो एक रजिस्टर्ड नर्सेस है नर्सिंग काउंसिल के द्वारा तो वो लेडी या वो पर्सन भी किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. यही तक नहीं, ये भी कहा गया यदि कोई मिडवाइफरी है कोई NANM है तो मिडवाइफ्स है वो मिडवाइफ्स भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. मीन्स क्या हुआ कि पहले जहां पर सिर्फ एक प्रोफेशनल था दैट इज द RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उनके जगह पर ये तीन और चार और कैटेगरी ऐड कर दी गई कि ये लोग भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं. इस तरह से इस एक्ट ने जो बेस थे उस बेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके नंबर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया ताकि किसी भी तरह की किसी लेडी को प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने में परेशानी महसूस न हो. जब ये प्रोविजन डाले गए जब ये एक्सपेंड किया गया तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उन्होंने इसका अपोज किया. उनका कहना था कि जब हम किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन का यूज करना पड़ता है और वो मेडिसिन एक शेड्यूल्ड मेडिसिन है ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर शेड्यूल्ड मेडिसिन है और वो मेडिसिन हम तभी पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं जबकि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें. लेकिन यहाँ पर इन लोगों को जिनको ये ऑथराइज किया गया कि आप MTP कर सकते हैं उनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो उन ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सके उन शेड्यूल ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सके इसलिए ये जो बेस को एक्सपेंड किया गया ये एक्सपेंशन गलत है. क्रिटिक्स ने इसका अपोज किया. उन्होंने कहा कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अपोज कर रहे हैं वो सिर्फ इसका अपोज कर रहे हैं कि उनकी बिजनेस अफेक्ट होगी उनकी जो बिजनेस उन तक लिमिट थी वो बिजनेस अभी एक्सपेंड हो गई है सभी में फैल गई है और उनके बिजनेस अफेक्ट होंगी इसलिए वो इसका अपोज कर रहे हैं. इसी दरमियान एक और घटना घटी महाराष्ट्र के अंदर कि वहां पर एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स थे उनके क्लिनिक के पास में करीब 17 फीमेल फिटस पाई गई और जब वो फीमेल फीटस पाई गई तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको और ज्यादा सपोर्ट मिल गया कि यदि हम इस तरह से इनको प्रोवाइड करेंगे तो ये प्रोविजंस का मिसयूज होगा और ये पर्संस उसको मिसयूज करेंगे इसलिए ये सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर तक रखी जानी चाहिए. सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर में जो RMP है उन्हीं को ऑथराइज करनी चाहिए वही ऑथराइज है फॉर द MTP. यहाँ पर फिर क्रिटिक्स ने कहा कि हमारे कंट्री के अंदर एबॉर्शन को लेकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन को लेकर के दो एक्ट हैं. एक का नाम दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP और दूसरे का नाम दिया गया है PNDT एक्ट. PNDT एक्ट जो बनाई गई है वो एबॉर्शन कंट्रोल करती है और पर्पस क्या होगा कि जो सेक्स रेशियो है वो सेक्स रेशियो मेंटेन रहे. जो MTP एक्ट बनाई गई है इनका पर्पस क्या है कि टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लेडी प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी ऑफ वुमेन. मींस दोनों का जो एम है वो अलग अलग है इसलिए यदि वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम MTP के साथ मिक्स नहीं करें पहली बात. दूसरी बात कि जो PNDT एक्ट है वो कंप्लीटली फेल हो चुकी है मींस कि गवर्नमेंट उसको इस अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है. हम जब सेक्स रेशियो देखते हैं तो 1991 में जो सेक्स रेशियो था गर्ल्स एंड बॉयज का वो 945:1000 था 945:1000 वो और घट गए 2001 में और इवन द PNDT एक्ट अवेलेबल है लेकिन उसके बावजूद भी ये रेशियो और कम हो गई और वो गए हमारे 2001 921:1000 और 2011 में वो रेशियो हो गए 919:1000 से. मींस ये जो गैप है वो गैप बढ़ती चली जा रही है इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द PNDT एक्ट. तो ये PNDT के एक्ट की फेलियर है उस फेलियर को हम इस MTP के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. MTP एक इंडिपेंडेंट एक्ट है एक इंडिपेंडेंट एबॉर्शन के लिए एक्ट बनाई गई है जिसका मेन पर्पस क्या है कि वुमेन के सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट
किया जा सके। और इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल लाया एमटीपी बिल 2014 जिसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया कि उसका जो बेसिस है वो एक्सपेंड और किया जाए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के नंबर को बढ़ाया जाए ताकि फीमेल आसानी से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सके इन द केस ऑफ कॉम्प्लीट केसेस। अब जो दूसरा प्रोविजन था इस एमटीपी बिल के अंदर वो था कि इंक्रीज द अपर गेस्टेशन लिमिट। अपर गेस्टेशन लिमिट का मतलब क्या हुआ कि एमटीपी एक्ट के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 20 वीक्स की थी। मींस यदि कोई प्रेगनेंसी 20 वीक्स से कम की है तब तो वो आरएमपी के ओपिनियन के अनुसार उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन यदि वो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 20 वीक्स से ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन में उसे टर्मिनेट नहीं करेंगे, लेडीज को प्रेगनेंसी रहनी पड़ेगी और बेबी को डिलीवर करना पड़ेगा। यहाँ पर इस चीजों को और एक्सपेंड किया गया, जो 20 मंथ्स थे उसको किया गया 24 मंथ्स। 24 मंथ्स क्यों किया गया? बहुत सारे ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि ड्यूरिंग 20 मंथ्स ही परफॉर्म हो सकती हैं। मीन्स 20th मंथ में ही पता चलेगा कि बच्चे के अंदर फिटस के अंदर कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटीज है कि नहीं, बच्चा कोई कहीं हैंडीकैप हो रहा है, बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं, वो 20th वीक में पता चलेगा। यदि सपोज करें कोई लेडी है 20th वीक में उनकी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया और उसके बाद 21st वीक में या 22nd वीक में वहां उनके पास रिपोर्ट आ रही है कि बच्चा हैंडीकैप्ड है या फिजिकली वो एबनॉर्मल है या उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में अब लेडी के पास कोई और प्रोविजंस नहीं रह जाएंगे, उन्हें बच्चा को डिलीवर करना पड़ेगा। जो कि यदि वो इस तरह के बच्चे को डिलीवर कर रही हैं तो वो बच्चा जो हैंडीकैप बच्चा पैदा होगा या फिजिकली या मेंटली जो रिटार्डेड बच्चा पैदा होगा वो फैमिली के लिए, मदर के लिए एक बर्डन होगा, सोसाइटी के लिए बर्डन होगा, उसे न तो कोई फैमिली एक्सेप्ट करती है न सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और न ही वो स्कूल एक्सेप्ट करता है, और अल्टीमेट सफर कौन होता है? दैट इज द मदर, दैट इज द लेडी, दैट इज द वुमेन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस बिल के अंदर एक प्रोविजन लाई गई कि जो 20 वीक्स का जो लिमिटेशन था वो लिमिटेशन से इंक्रीज करके कर दी गई 24 वीक्स। यहां पर ये कहा गया कि हर एक वुमेन का ये राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसका रिप्रोडक्टिव राइट है कि जब वो चाहे वो उस टाइम वो प्रेगनेंसी वो एडॉप्ट करे और वो एक हेल्दी बच्चे को डिलीवर करे, मींस उसकी जो डिलीवरी हो वो हेल्दी बेबी को डिलीवर करे, ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। और यदि हमने इसको लिमिट कर दिया 20 वीक्स पे तो हम उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्लॉक कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स को हम उससे स्नैच कर रहे हैं, इसलिए ये लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। और वो लिमिटेशन इसलिए गवर्नमेंट ने इस बिल के अंदर 20 वीक्स से इंक्रीज करके 24 वीक्स कर दिए। वहां पे एमटीपी में क्या था, यदि कोई सेकेंड ट्राइमिस्टर मींस 12 वीक से लेकर के 20 वीक के बीच का यदि प्रेगनेंसी है और उस प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई और उसको टर्मिनेट करना है तो कम से कम हमारे पास 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन होनी चाहिए और 2 आरएमपी के ओपिनियन के बाद ही उसमें उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता था। इस बिल ने उस चीजों को रिमूव कर दिया और वहां पर सिर्फ 1 प्रैक्टिशनर रखा, कोई भी देखिए वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो ऊपर नाम बताए गए बहुत सारे कैटेगरीज का, उनमें से कोई भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिनकी सिंगल का भी ओपिनियन है कि वो प्रेगनेंसी एबनॉर्मलिटी है, प्रॉब्लम होगी, लेडीज की जो साइकोलॉजी है उसको अफेक्ट कर सकती है, लेडीज स्ट्रेस में आ सकती है, तो उसे टर्मिनेट किया जाए तो वो टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के इन्वॉल्व हो, सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर से काम चल जाएगा। फिर जो एक और प्रोविजन थी वहां पे एमटीपी 1971 में, वहां पे क्या था कि यदि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर की मैरिड वुमेन है या उनके हस्बैंड है, यदि मैरिड वुमेन ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया वो फेल हो गया या हस्बैंड ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया और वो फेल हो गया, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी रहती है तो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, वो हमारे एमटीपी 1971 में था। अब यह सपोज करें कोई लेडी है वो अनमैरिड है या वो विडो है या वो डाइवोर्सी है और उनके अंदर प्रेगनेंसी आ गई,
इसका मतलब क्या हुआ उस एक्ट के अनुसार कि अब वो लेडी अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकती इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटीज और उस कंडीशन में उन्हें इलीगल मेथड अडॉप्ट करना पड़ता था या इलीगल मेथड वो अडॉप्ट करती थी और यदि वो अडॉप्ट कर रही है और पकड़े जाने पर हमें पनिशमेंट की प्रोविजन थे उन्हें पनिश किया जा सकता था। यह भी एक तरह का गलत थी कि सिर्फ वहां पे मैरिड वुमेन के लिए प्रोविजन है, जो अनमैरिड वुमेन है, जो विडो है या जो डाइवोर्सी है, ऐसी वो प्रेग्नेंट है तो वहां पर उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए MTP 2014 के अंदर जो मैरिड वुमेन है उस मैरिड वुमेन के जगह पर सिर्फ वर्ड यूज किया गया वुमेन और जो हस्बैंड वर्ड है वहां पे रिप्लेस करके वर्ड यूज किया गया पार्टनर। मींस कि यदि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव वुमेन के द्वारा यूज किया गया और वो फेल हो गया या उसके पार्टनर द्वारा यूज किया गया और वो फेल हो गया और जो जो प्रेगनेंसी है वो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। एक और प्रोविजन दी गई कि जी सपोज करें कि वहां पे क्या था हमारे वर्ड लिखा हुआ था RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मीन जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही पर्सन यहाँ पे वही पर्सन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर RMP वर्ड को रिमूव किया गया और वहां पर नाम दिया, वहां पर वर्ड लिखा गया रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। RMP की जगह पर वर्ड क्या लिखा गया रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो ये सारी प्रोविजन है जो प्रोविजन हमारे MTP बिल 2014 के अंदर डाली गई है। अभी एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट और रहेगी बीच के अंदर कि जो RMP से उन्होंने पोस्ट किया कि ये जो नर्सेस हैं या मिडवाइफ्स हैं या जो अल्टरनेट पैथी फॉलो करने वाले प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाए, उनको अधिकार नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे पॉइंट आउट है कि यदि कोई ANM है जो मिडवाइफ्स है उनको पावर दिया, उनको ऑथराइज किया गया कि आप मेडिकली या फिर किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं लेकिन उसका लिमिटेशन हुआ कि ओनली फॉर द 7 वीक्स। यदि कोई प्रेगनेंसी 7 वीक्स की है तो वो प्रेगनेंसी ANM के द्वारा टर्मिनेट किया जा सकता है। यदि कोई प्रेगनेंसी 9 वीक्स तक की है, 9 वीक्स पुरानी है तो उस कंडीशन में कोई भी नर्सेस जो नर्सेस के बाद 3.5 ईयर की डिग्री है और जो नर्सेस रजिस्टर्ड है या कोई भी जो डॉक्टर्स हैं जो बैचलर डिग्री होल्डर है अल्टरनेट पैथिक के आयुष के वो पर्सन उसको टर्मिनेट कर सकते हैं और वो लिमिटेशन कितना है अप टू 9 वीक्स। यदि वो प्रेगनेंसी 9 वीक्स से ज्यादा है और वहां कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। जो और जो कैटेगरीज है वो डॉक्टर्स या वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इसे टर्मिनेट नहीं करेंगे प्रेगनेंसी को यदि वहां पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करनी है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि MTP बिल 2014 के अंदर है और ये 2014 के अंदर बिल जो बनाए गए उसका मेन पर्पस था कि जो लिमिटेशन थी हमारे MTP 1971 की उस लिमिटेशन को दूर किया जाए और लेडीज को ज्यादा पावर दिया जाए, ज्यादा ऑथराइज किया जाए ताकि वो उनको उसके कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। वो उनकी बॉडी है, उनकी च्वाइस है।